कुछ तो बोलो, इंसान हो के पुतला हो? छू के देख लेता हूं। माई माफ करना, स्त्री समझ के नहीं, पुतला समझ के छू रहा हूं, वो भी दूर से। अरे पिया जी, आप यहां कैसे? भगवान जी तो नहीं छोड़ गए? बस यूं ही समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा से यहां तक पहुंच पाए हूं। अरे क्या बात है, इसका मतलब भगवान जी हमारे भी थोड़े बहुत हैं। वैसे आप अकेली वहां से निकली कैसे? अकेली नहीं आई, मुझे ये लोग भगा कर लाए हैं, आपसे डर कर छिपे हैं। अरे इतना कमाल का काम करके आए हैं और छिपे हुए हैं? अरे भाई साहब, भाई बाहर आओ। अरे छुपे क्यों हो, तुम तो कमाल का काम करके आए हो। आओ यार बाहर, हार शार पहनाऊंगा यार। हेलो पापा। हेलो, तुम? मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना किया था ना, फिर तुम लोग वहां क्यों गए? पापा आपने कहा था हार पहनाएंगे। पहले मेरी बात का जवाब दो, इतनी खतरनाक जगह पे जाने की जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? I'm sorry पापा, आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा था, इतने सालों में आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इसलिए हमने सोचा कि हम भी आपके लिए कुछ करें। प्रिया मैम के जाने का दुख हमें भी था, लेकिन हमसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं होता। इधर आ मेरे पास। देखा प्रिया जी, मेरे बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं, एंड आई लव देम मोर देन माय लाइफ। वैसे इस खेल में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी था, बदले में आप मुझे गले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ दिन अगर अपने घर में छुपा लेंगे तो मेरा भला होगा। ओ यार, किसी का कुछ लेके भागा है क्या? छुपना क्यों और किससे है? वो अपने बाऊ से, वो फिरा रहे मुझे ले जाने। ओ यार तू ऐसा कर, अपना बाऊ बदल ले, या ऐसा कर उनके साथ चला जा। 6 महीने हो गए, दुकान तू चला नहीं पाया, अपने बाऊ को चलाई जा रहा। मैं आपकी दुकान चला लूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए प्लीज। अरे बेटा ये मुंबई है, यहाँ मुंह घुमाओ ना तो जेब साफ हो जाती है, दिन को पकड़ने में ही दिन निकल जाता है, बेहतर यही होगा कि तू वापस चला जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी यहाँ प्रीति जी, मैं उन्हें छोड़कर। अरे पापा इनका मतलब है इन्हीं यहाँ से प्रीत हो गई है, लव प्यार लगाओ, यू नो। वैसे इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे उसे प्यार हो, कभी ना कभी तो उसे सफलता जरूर मिलती है। मैं तो ये कहती हूँ कि कामयाब होने से खुशियाँ मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हम अगर जिसके पास खुशियाँ हैं उसे मैं कामयाब जरूर मानती हूँ। वाह प्रिया जी, आज आपने साबित कर दिया है कि इतनी मुश्किल बातें केवल अनु जी नहीं आप भी कर सकती हैं। वेलकम टू द फैमिली। और बेटा प्रेम, तू काम करे या ना करे पर काम से तुझे प्यार है, बेकार है पर खुश है, इसलिए कामयाब है। तू रह ले बेटा यहाँ, हम तेरे बाऊ को ये बात समझाने की कोशिश कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू पिया जी। पर पापा खुश तो मैं भी रहती हूँ, इसका मतलब है मैं कामयाब हूँ, तो फिर मैं क्यों पढ़ाई करूँ? बेटा मुझसे बेहतर ये बात तुझे अनुज समझा सकता है। अनुज बेटा इसको अंदर ले जा और समझा दे। आजा दीदी। और तू बेटा, तू भी जाके नहा धो ले, इसको भी ले जाओ यार। आइए पिया जी खाना खाते हैं, और खाना खाकर कामयाब होते हैं क्योंकि खाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आइए। आप तो बात के बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं, क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? अरे पिया जी मैं तो दांत खींचता हूँ, टांग थोड़ी। वैसे मैं सोच रहा था ये अपना शेरू है ना, ये तो कभी हंसता नहीं, तो ये तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं एक बात है, आइए आइए अरे आइए ना। खुशी तुम ये मुझे कहाँ लेकर आई हो? आसमान में सितारों के पास, यहाँ धरती और आकाश एक हो जाते हैं। आइए आइए ना, वो देखिए दुनिया हमारे कदमों में है, हम सबसे परे हैं अपने ख्वाबों की दुनिया में,
यह ख्वाब देखे और पूरे किए जाते हैं। जो आपके दिल में आए आप वो मांग लीजिए, ईश्वर आपके करीब है। खुशी, मैं ख्वाबों में जीना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें कोई ख्वाब दिखाना चाहता। चले। रुकिए 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 रुकिए। अच्छा अपनी आंखें बंद करिए, बंद करिए। किन अरमानों की बात कर रही हो तुम? साथ मिलकर आपके हॉस्पिटल को चलाना है, खुशी के साथ रहकर खुशियां बांटना है। नहीं खुशी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए यहां पर नहीं आया था, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी स्टूडेंट। आप कुछ मत कहिए, आपके साथ रहने में मुझे खुशी मिलती है, और अगर ये मेरा भ्रम है तो इसे भ्रम ही रहने दीजिए। देखो खुशी, मैंने सपनों को बनते और बिखरते देखा है, बहुत तकलीफ होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो। नहीं होगा, इस मामले में मैं भी एक्सपीरियंस हो गई, मैं आपको पा के ही रहूंगी। हाँ? आजकल सुबह उठकर मैं भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मुझे अच्छी लड़की बनाना। वैसे ऐसा करने में आपको कष्ट होगा तो रहने देना, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ काफी मजे में हूँ। खुशी, तुम जितनी छोटी लगती हो ना उतनी हो नहीं, अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मैं कोई भी बात ना मन में छुपा कर नहीं रख सकती, अगर मैं आपको चाहती हूँ तो ये बात आपको बता के ही रहूंगी। अगर मुझे दुख होगा तो मैं बहुत रहूंगी, और मुझे हंसी आएगी तो मैं खिलखिलाकर हंसूंगी। खुशी, मैंने सुना था कि लड़कियां थोड़ी सी क्रैक होती हैं, लेकिन ये मुझे आज पता चला कि लड़कियां इतनी 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 प्यारी भी होती हैं। हे भगवान, अगर मेरे हिस्से में कुछ अच्छे कर्म जमा है तो इस खुशी को खुश रखना। और खुशी को खुशी तब मिलेगी जब आप उसके साथ रहेंगे। अनुज बेटा, बेटा इतनी रात हो गई और खुशी कहीं नजर नहीं आ रही। कौन सी खुशी पापा, एक खुशी तो आपको ला कर दी है ना। पिया मैम अंदर ही है। मैं अपनी बेटी खुशी की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ गई है? जाएगी कहाँ, आपको डराने के लिए यहीं कहीं छुपी होगी। आप लोग कहीं छुपा छुपी तो नहीं खेल रहे थे ना? नहीं, क्योंकि अक्सर आप ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते हैं। देख बेटा, जब पापा परेशान होते हैं ना तो उनसे ऐसी बातें नहीं करते, उनकी मदद करते हैं। तो सच बता, तुझे पता है खुशी कहाँ गई है? पता तो नहीं है, मगर यकीन जरूर है कि वो इसी घर के किसी कोने में छुपी है। आप नीचे देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। ओए रब्बा, एक एक करके मुसीबत दिया कर यार, तूने तो मुसीबतों की लाइन लगा रखी है। खिड़की से आप सिर्फ दो सूरतों में आ सकती हैं, या तो आपने कोई जुर्म किया है या दरवाजे पे कॉकरोच पहरा दे रहा है। दरवाजे पर पापा खड़े हैं। हाँ, ये तो और भी खतरनाक बात है। पापाओं को कब समझ में आएगा जब रात को बेटी घर से गायब होती है तो दरवाजे पर नहीं खिड़की पर पहरा देना चाहिए। तूने बताया तो नहीं कि मैं कहाँ गई थी? हम तो आपको कोनों और बिस्तर के नीचे ढूंढ रहे थे। वैसे आप गई कहाँ थी? मैं तारों में, बादलों में, आसमानों में, जहाँ जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अगली बार पापा को भी ले जाना, धरती पे बैठे बैठे बेचारे परेशान होते हैं। नहीं अनु, वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही जा सकते हैं। जब वो मेरे साथ होते हैं तो जिंदगी बड़ी हसीन लगती है। वक्त जैसे ठहर जाता है, धरती आकाश बन जाता है, सारे अरमान सारी हसरतें पूरी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान जी हमारे साथ हैं। सारे भगवान अपनी तरफ ही कर लिए, पापा का जरा भी नहीं सोचा। ऊपर से आप एक नई मुसीबत देने वाली हो,
पापा किसके सामने हाथ फैलाएंगे? जब लड़कियां अपना वर्क खुद ढूंढ लेती हैं तो पापाओं की मुसीबत बढ़ती नहीं, खत्म हो जाती है। आपने जो चुना है ना, वो वर नहीं सर है। मुझे एक सर ही समझ सकते हैं। अनु, मैंने देख लिया है, मैं आम लड़कों के बस की नहीं हूँ। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। काश हमारे पापा भी इतने समझदार होते। मनोज। पापा। हाँ अनुज, तू मेरी तारीफ कर रहा था। हाँ। किससे हैं? ये कहाँ से आई? खिड़की से। खिड़की से? पापा, सुबह हो गई, बाहर तो रात है। अच्छा मैं सो जाती हूँ। पहले तू ये बता, तू गई कहाँ थी? आसमान में तारों के पास। हाँ? पापा एक मिनट इधर आइए। ये कहना चाहती है कि इस वक्त नींद में, आप इस वक्त जो भी सवाल करेंगे आपको नींद में ही जवाब मिलेगा। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी रात को ये कहाँ से आई है, तू बता। पापा मुझे भी ऐसे ही जवाब मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि हर बात जानना जरूरी नहीं है। खुशी क्या करती है, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। पापा आप ही ने तो कहा था भगवान से कि प्रॉब्लम एक एक करके देना, आप क्यों नहीं प्रॉब्लम ले रहे हैं? पापा दीदी कोई भी गड़बड़ कर रही है, आज ही तो कल सामने आने वाली है, और अगर गड़बड़ नहीं कर रही है तो जानने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप अभी नॉर्मल हो जाइए, आप अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। आपकी प्रॉब्लम अभी सो रही है, सुबह तक सोती रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जाइए। अच्छा जाइए पापा। ठीक है। धीरे सर, धीरे सर, आज आपने मेरे कान पकड़े, मुझे मेरे बाबा याद आ गए। सक्सेना तुम बीच में अचानक कहां से आ गए? ये आपको क्या हो गया है, हवाओं में तीर चला रहे हैं, आपको मैं दिखना बंद हो गया क्या? सक्सेना मैं एक अजीब सी कश्मकश में हूँ। कश्मकश में कहां है सर, आप यही हैं, वो आपका वहम है। सक्सेना तू मेरा सजाए कर्म है। ओए खाली खोपड़ी सक्सेना, कश्मकश का मतलब है उलझन, कंफ्यूजन। उलझन क्या है बताइए सर। वो तेरे को बता के क्या होना है? ये वाली फीलिंग तेरे तो कभी नजदीक से भी नहीं गुजरी। अच्छा ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसे मैं मिस कर गया? फिर तो जरूर बताइए सर, ताकि मैं बाकी बचे दिनों में उस फीलिंग को महसूस कर लूं और उसी के साथ जी लूं। इस जन्म में मुश्किल है, जवानी की फीलिंग है, तू अभी लेट हो गया। और आप नहीं हुए, आपसे तो मैं कम पुराना हूं। ओए मूर्खा, मेरी तो सेकंड इनिंग है। 22 साल पहले जब मुझे चारू से प्यार हुआ था तब यही फीलिंग आई थी, और उसके बाद 2 साल तक मैंने काम नहीं किया, फिर मेरा बुखार उतरा और 22 साल तक मैं सिर्फ काम करता रहा, और अब ये फीलिंग अचानक वापस लौट आई है। तो यूँ कहिए ना सर कि दोबारा प्यार हो गया है। प्यार तो हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उससे कहूँ कैसे। अरे सर उनके पास जाकर अपने मुँह से कहिए, और कैसे? अगर उसने चपेड़ मार दी और रूठ गई तो? चपेड़ मारने की इच्छा तो हर पत्नी के मन में होती होगी, मगर ये उनकी मजबूरी है कि वह ना तो ऐसा कर सकती हैं और ना ही हमेशा के लिए पति को छोड़ सकती हैं सर, इसलिए आप इत्मीनान से जाइए और जो कहना कह आइए। वो किचन में है। कौन किचन में है? वो तो किस पत्नी की बात कर रहा है सक्सेना? बाकियों का तो पता नहीं सर, मैं तो आपकी धर्म पत्नी चारू जी की बात कर रहा हूँ। वन डायमेंशनल सक्सेना, चारू मेरी बीवी है, बीवियों से भी कभी दोबारा प्यार हुआ? मगर सेकेंड इनिंग तो उसी के साथ खेली जाती है जिसके साथ पहली है। हाँ, यानी कि आपकी कोई और है। वो यही तो कश्मकश है, मुझे दोनों से प्यार है, चारू मेरा पहला प्यार है और निन्नी दूसरा है? मगर एक आदमी एक वक्त में दो औरतों से कैसे प्यार कर सकता है? मुझे क्या पता, मैं तो चुपचाप करता जा रहा हूँ, लगता है कोई अननेचुरल फोर्स करवा रही है। मेरी मानिए सर,
यह खतरनाक खेल यहीं खत्म कीजिए। यह आपको शोभा नहीं देता। शोभा क्या करनी है, मुझे तो खुद चारू का सोच के अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं निन्नी से कभी नहीं मिलूंगा। इसलिए सक्सेना, अब तुम्हारा पर्सनल होने का मौका खत्म हुआ। अपने औकात में आओ, काम में लगो और पर्सनल फाइल लेके आओ। जाओ। ओके सर। और टेलीफोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्यों भाई सक्सेना, बड़ी दमदार आवाज में बोल रहे हो यार, डांट नहीं खा रहे हो क्या? नो सर, आज से हम और सर काफी करीब आ गए। अरे शेरू के करीब आ गए हो, फिर तो मियाँ जल्दी अल्लाह को प्यारे होने वाले हो। खैर, फिर जन्म में तो फिर मुलाकात होगी, फिलहाल जरा शेरू को फोन देना। ओके सर, लीजिए सर। बोल मेशी। ओ यार शेरू, तेरे लिए खुशखबरी है, पिया जी हमारे घर आ गई है। हाँ। अच्छा, अपने आप? कत्ल कितनों का कराई है? ओ कत्ल किए बिना आ गई है, भाग कर, और वो भी बच्चों की मदद से। अच्छा, छोटा पुर्जा फिर कमाल दिखा गया। ऐसा गजब बच्चा पैदा करते कैसे है? या तो फार्मूला बता दे, या मेरी जायदाद प्रीति चारू सब ले ले और ये वाली औलाद दे दे। ओ यार तू फार्मूला ले ले, पर उसका करेगा क्या, पैदा करने वाले बाप का समझदार होना बड़ा जरूरी है। और अब तेरे लिए पैदा करना और समझदार बनना दोनों के लिए देर हो चुकी है, तू तो अब वो कर जो कर सकता है। देख पिया जी अब वापस आ गई, वो रस्तोगी जरूर कोई पंगा खड़ा करेगा, तो हम चलते हैं वो तेरी लॉयर के पास, मालिनी मरजानी काणी, और यार क्या उसका नाम, हाँ केसवानी, उसके पास सलाह लेने। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ और इस बार मैं सारा कुछ पता करके आता हूँ। ओ यार जब भी उस लॉयर से सलाह लेने की बात आती है तू अकेला निकल पड़ता है। एक बात बता, ये केस तेरा है कि मेरा है? ये तेरा मेरा क्या होता है, केस हमारा है और हम एक हैं। और तो इस बार इस वाले एक को जाने देना। देख शेरू, मेरा पका पकाया केस है जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तेरा एक जलील केस है जिसे उभरने से पहले ही दफना देना चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए मुझे आज ही जाना चाहिए। तू शाम तक सब्र कर, मैं सारी रिपोर्ट ला कर देता हूँ। देता हूँ ना यार, गुड बाय। मेरे रास्ते से हट जा सक्सेना। नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आपने वादा किया था कि वो निन्नी, उनसे आप कभी नहीं मिलोगे। वादा तो मैंने 10 मिनट पहले किया था, और मेरा लेटेस्ट वादा ये है कि मैं निन्नी से जरूर मिलूंगा। तो उसके लिए आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। ठीक है, तू लाश बनने की तैयारी कर, मैं वापिस आकर उस पर गुजरूंगा। अब तो हट गया। झूम ले, नाच ले, ना कर इंतजार, बड़ी खुशी के चक्कर में नन्ही ना कर बेकार। ए, इधर उधर बिखरी है कितनी है खुशियाँ, तेरा दामन भर जाएगा इतनी है खुशियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे, कर ले तू मस्तियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे, कर